नेपाल क्रिकेट टीम को मिला नया छोटा रफ्तार किंग। 17 साल के उम्र में बल्लेबाजों को सितारे दिखा देता है ये नेपाली बॉलर, और जिनकी रफ्तार पर फिदा है इंडिया के किंग कोहली। तो आखिरकार कौन है ये नया टैलेंट जिसने हाल ही में सोशल मीडिया पर मचाई है सनसनी, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, हम जिस यंग खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो है नेपाल लुम्बिनी में रहने वाले 17 वर्षीय लेफ्ट हैंड पेस बॉलर प्रदीप जायसवाल। नेपाल में जन्मे इस युवा क्रिकेटर ने अपनी रफ्तार बॉलिंग से अभी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने 125 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में बॉलिंग कर सारे क्रिकेट प्रेमियों की ध्यान अपने तरफ खींचा है। 2 दिन पहले सभी के लिए अनजान रहा ये खिलाड़ी आज पूरे नेपाल में छाया हुआ है। सिर्फ नेपाल ही नहीं, आपको बता दें कि प्रदीप जायसवाल अभी इंडिया में भी छाए हुए हैं। अभी दिल्ली में रह रहे प्रदीप जायसवाल वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकादमी में अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं। इसी दौरान उनको इंडिया के किंग विराट कोहली के सामने नेट्स पर बॉलिंग करने का मौका भी मिला है, और प्रदीप जायसवाल विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाजों के सामने भी निडर होकर गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं। प्रदीप जायसवाल की सबसे खास बात यह है कि वो इतनी कम उम्र में भी इस स्पीड में बॉलिंग कर रहे हैं, और सिर्फ एक बार नहीं वो लगातार इस रफ्तार पर गेंदबाजी कर सकते हैं। तो हाल ही में नेपाल क्रिकेट की तरफ से एक इवेंट रखा गया था जिसमें नेपाल क्रिकेट के लिए फ्यूचर स्पीड बॉलर चुना जा रहा था, और इस इवेंट के फाइनल में कुल 7 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे थे, और उनमें से एक थे प्रदीप जायसवाल, जिनको फर्स्ट टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, और पहली गेंद में ही वो 122 का रफ्तार टच कर लेते हैं, और धीरे धीरे वो अपना रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बाकी 5 बॉलों पर एवरेज 125 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर बॉलिंग करके इस इवेंट का विनर का खिताब भी अपने नाम किया, और उन्हें 25,000 का चेक भी दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी रफ्तार को और भी आगे बढ़ाने के लिए उन्हें चेन्नई में स्थित MRF पेस फाउंडेशन अकादमी में फ्री में एडमिशन भी कराया गया। तो इसी के साथ अब से प्रदीप जायसवाल इंडिया में रहकर जोरदार ट्रेनिंग करके जल्द ही अंडर 19 टीम और उसके बाद नेशनल टीम में शामिल हों, ऐसा हमारा विश है। तो आप में से किन किन को लगता है कि प्रदीप जायसवाल जैसा एक लेफ्ट आर्म पेसर नेपाल टीम को जरूर चाहिए, अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद।